सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। एवरीवन हाउ आर यू, होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में ना बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है। आपको मैं बता दूं कि कोर इंजीनियरिंग वर्सेस आईटी इंजीनियरिंग, ठीक है, कोर और आईटी में क्या फर्क है, किसमें ज़्यादा वर्क टेंशन होता है, कोर में ज़्यादा होता है या आईटी इंजीनियरिंग में ज़्यादा होता है, इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और एक बात और कहना चाहूँगा, ये चैनल आपका ही है और आपको कोई भी करियर से रिलेटेड दिक्कत हो, परेशानी हो, आप 199 रुपए में मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। तो बात करते सबसे पहले कोर इंजीनियरिंग के बारे में। कोर इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें इंजीनियर्स जो डेप्थ में इंजीनियरिंग होती है वो ऑब्वियसली सिखाई जाती है, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो। सारे इंजीनियरिंग का अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग काम जोन है, अलग अलग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो, कहीं पे भी हो। तो मल्टीपल लोगों से मैंने बात किया, मल्टीपल लोगों से बात होती रहती है। जब आपका फ्रेंड सर्कल, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, तो जब आपका फ्रेंड सर्कल उसी बैकग्राउंड का होता है तो उनसे जब बात होती है तो ऑब्वियसली सब लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं, अरे भाई बड़ी टेंशन चल रही है, बड़ी ठीक है। तो जो कोर इंजीनियरिंग फील्ड में वर्क कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने उन दोस्तों से बात किया। तो देखो, दो टाइप की जॉब होती है। पहला जॉब है कि कोर इंजीनियरिंग है, दूसरा है आईटी इंजीनियरिंग। आईटी इंजीनियरिंग में प्रोडक्ट बेस्ड काम जो बहुत कम होता है, ठीक है, सर्विस बेस्ड काम बहुत ज़्यादा हो। जैसे आपकी जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, चाहे TCS हो, विप्रो हो, इन्फोर्सिस है, ये सारी कंपनियां जो हैं, ये जो है सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं। और इन कंपनियों में अभी चल रहा है रेल अमराल ले ऑफ चल रहा है, मतलब कि ले ऑफ क्या, नौकरी से निकाल रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं जो नौकरी से लोगों को निकाल रही हैं। वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो सर्विस बेस्ड कंपनियां होती हैं ना, उनमें बड़ी टेंशन होती है। मैं बता दूं, सर्विस बेस्ड कंपनियों में, क्योंकि आप क्लाइंट के लिए काम करते हो, जो क्लाइंट के लिए वर्क होता है ना, सर्विस बेस्ड कंपनियों में ही होता है, क्लाइंट के लिए वर्क होता है, क्लाइंट जैसा चाहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा, कंपनियां उसके लिए कोई भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। अभी रिसेंटली विप्रो ने लगभग 450 से ज़्यादा लोगों को फायर कर दिया, फ्रेशर को हायर किया और 6 महीने के अंदर फायर कर दिया, क्योंकि उनमें वो क्वालिटी नहीं दिख रही थी जो क्वालिटी विप्रो को चाहिए थी, ठीक है। क्लाइंट की तरफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आ रहे थे, ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, जिसकी वजह से क्लाइंट बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा था और ऑब्वियसली विप्रो ने वो एक्शन ले लिया। अब उसके रिवर्स में आते हैं कोर इंजीनियरिंग में। कोर इंजीनियरिंग में भी बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि वो क्लाइंट से रिलेटेड वर्क हो। कोर इंजीनियरिंग में जिसकी कंपनी होती है वो खुद ही की कंपनी होती है, और कोर इंजीनियरिंग में एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है। अगर आप मान लो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हो तो मेंटेनेंस में ही हो, अगर आप मान लो किसी और डिपार्टमेंट में काम करो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में हो तो मैन्युफैक्चरिंग में हो, स्विच यार्ड में हो, जैसे NTPC BHEL है तो उसी में रहोगे। उतना टेंशन नहीं होता कंपेयर टू आईटी इंजीनियर, क्योंकि आईटी इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग आईटी इंजीनियरिंग में जाओगे नहीं, तो प्रेशर के साथ पैसा भी बहुत होता है। एक शॉकिंग रियलिटी ये भी है कि अगर प्रेशर वहाँ पे मिल रहा है तो पैसे भी वहाँ पे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं मिल रहा, तो आपको वहाँ पे पैसे भी मिल रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी गाइस, जब तक आप ये चीज़ नहीं समझोगे तब तक कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे चीज़ें आपके लिए काम करेंगे। तो चीज़ें समझिए, जानिए और उसका सही यूटिलाइजेशन करिए, तभी जा करके आप करियर में आगे बढ़ पाएंगे। और आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, यू हैव अ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी और उसका आपको फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। कोर इंजीनियरिंग अगर धीरे धीरे स्कोप बढ़ रहा, कोर इंजीनियरिंग का वो रफ्तार पिछले 3-4 सालों से बहुत सारे इंजीनियर्स कोर इंजीनियरिंग में कोरोना के दौरान, कोरोना के बाद बेरोजगार हैं, जॉब नहीं मिल रही है, उन्हीं लोगों की भड़ास होती, कमेंट में भी आके निकालते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, वो उनका कॉल है, लेकिन धीरे धीरे कोर इंजीनियरिंग सुधरेगा और सुधर रहा है। आईटी इंजीनियरिंग जिस तरह से डूब रहा है, कंप्यूटर साइंस, उसमें कॉम्पिटिशन का लेवल और बढ़ेगा, तो उस लेवल से आपको काम करने पड़ेगा, उस माइंड सेट से आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप वहां पहुंच पाओगे। जब तक आप उस लेवल तक नहीं जाओगे, उस माइंडसेट के साथ काम नहीं करोगे, तब तक चीजें उतनी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो जो मेरा क्वेश्चन था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, और होगा इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जो लोग टेलीग्राम पे हो, करियर अड्डा चैनल टेलीग्राम पे भी है, और जिनको करियर कंसल्टिंग सर्विसेज चाहिए, करियर कंसल्टिंग सर्विसेज भी आप ले सकते हो। careeraddaeducation.com पे विजिट करके आप लोग करियर कंसल्टिंग सर्विसेज भी ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।